आज बात राजनीति की नहीं होगी, आज बात होगी आपके काम की। आज सवाल नहीं होंगे, सिर्फ जवाब होंगे। कोरोना महामारी तो आफत या कहर बनकर लोगों को तोड़ ही रही थी कि अब एक नया डर लोगों में बना हुआ है। पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र और अब यूपी तक ये बीमारी पहुंच गई है और राजधानी दिल्ली को भी नहीं बख्शा है, जो बेहद खतरनाक है। और ये बीमारी कोविड से रिकवर होने वाले लोगों में ज्यादा नजर आ रही है। इसके बारे में जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उन्हें तो पता है, लेकिन गांवों कस्बों में लोग इस बीमारी को लेकर सजग नहीं हैं। क्या इस बीमारी को रोका जा सकता है? क्या ये हर कोविड से रिकवर होने वाले व्यक्ति को हो रही है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं, और जिन्हें इस बीमारी के बारे में नहीं पता है उन्हें भी बताएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट नाइन, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त देश कोरोना से परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा नजर आता है, उम्मीद की रोशनी कम ही नजर आ रही है। दरअसल कोरोना के बीच एक ऐसे खतरनाक बीमारी सामने आई है जिसे सुनकर देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं। क्या है वो बीमारी, देखिए इस रिपोर्ट में। आगे आपको बताएंगे कि कैसे इससे बचना है, ये किन लोगों को हो रही है, ये कितनी खतरनाक है। पहले रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमितों को हो रही एक और बीमारी, ब्लैक फंगस ने डराया। ये बीमारी छीन रही आंखों की रोशनी। अब तक आ चुके हैं 100 से ज्यादा मामले। देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये कोई वायरस नहीं है, 5G टेस्टिंग की वजह से लोगों की जान जा रही है। हालांकि इसको लेकर हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि इस पर WHO क्या कहता है, जिसमें साफ हुआ था कि 5G टेस्टिंग से लोगों की जान नहीं जा रही है। वहीं कोरोना वायरस के साथ साथ अब देश में एक बीमारी म्यूक्रोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, जिससे लोग काफी घबरा गए हैं। गुजरात में ब्लैक फंगस के 40 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस देखा गया है। गुजरात के सूरत में ब्लैक फंगस की वजह से 8 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना की वजह से संक्रमण ज्यादा फैल रहा है और देर से इलाज मिलने से मरीजों की मौत भी हो सकती है। सरकार ने संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अलग वार्ड बनाए हैं ताकि समय रहते संक्रमितों को देखा जा सके और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी यह संक्रमण तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मुंबई में 29 वर्षीय शख्स में माइक्रोमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस का संक्रमण देखा गया। ये शख्स कोरोना से ठीक हो चुका था। हालात ज्यादा बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब उसकी सर्जरी की गई, दिमाग में इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए डॉक्टरों को ऊपरी जबड़ा हटाना पड़ा। फिलहाल मुंबई में इस घातक संक्रमण के 18 मरीज हैं। क्या है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन? कोरोना से संक्रमित मरीज या कोरोना से स्वस्थ हुए मरीजों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन देखा गया है। ये इन्फेक्शन आमतौर पर उन लोगों में होता है जिनका शरीर किसी बीमारी से लड़ने में कमजोर होता है। इस इन्फेक्शन से आंखों में दर्द, सूजन की शिकायतें आने लगती हैं। जानकारी कहते हैं कि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इसका ज्यादा खतरा रहता है। वहीं डायबिटीज के पेशेंट भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। कई मामले तो हैरान करने वाले भी आए हैं, जब डॉक्टर्स को मरीजों की आंखें तक निकालनी पड़ी है। म्यूकोरमाइकोसिस, इसे आम भाषा में ब्लैक फंगस भी कहते हैं। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कोरोना पीड़ित रिकवर हो रहे हैं उनकी आंखों में ये फंगस तेजी के साथ फैलता हुआ नजर आ रहा है। पहले इसके मामले महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में आने शुरू हुए। अब मध्य प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के केस सामने आ रहे हैं और यूपी में भी। अब आधी बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब आपको जल्दी से समझा देते हैं कि आखिर ब्लैक फंगस क्या है। ये एक फंगस के कारण होता है। फंगस का नाम है म्यूकर। ये ज्यादातर उन लोगों में देखा जा रहा है जो डायबिटीज के मरीज हैं। वैसे आपको बता दें कि ये बीमारी नई नहीं है, लेकिन कोविड पेशेंट्स में ये तेजी के साथ देखी जा रही है। कई डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि कोविड के इलाज के लिए दिए जा रहे स्टेरॉइड शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं, जिससे बीमारी हो रही है।
साथ ही कुछ दवाओं के कारण पेशेंट की इम्यूनिटी भी कम हो रही है। ब्लैक फंगस हमारे वातावरण में है और जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, वो जिन्हें पहले से कुछ बीमारियां हैं, ये बीमारियां ज्यादातर उन्हें ही अपना शिकार बना रही है। अब जो सवाल आपके मन में है उसके जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस होने के पीछे असली वजह क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है? म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस क्या होता है और क्यों होता है? ब्लैक फंगस एक रेयर फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन कोरोना काल में इसके 100 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और ये तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन सारे कोविड पेशेंट्स में ये बीमारी नहीं होती, ये एक अवसरवादी इन्फेक्शन है। इस फंगस के कण हमारे वातावरण में पहले से मौजूद होते हैं। वैसे फंगस आप सबने देखी होगी, अक्सर ये ब्रेड पर लग जाती है, लेकिन जो ब्रेड बासी या पुरानी हो जाती है उस पर ही ये उगती है। जब बाहर का वातावरण इस फंगस की ग्रोथ को बढ़ावा देता है तभी ये उगती है। इस फंगस के कण हमारे शरीर में सांस के द्वारा घुसते हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी मजबूत है उन लोगों के शरीर में एक इम्यून रिएक्शन शुरू होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के बॉडी गार्ड सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और इस फंगस को खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर इसी फंगस के कण जब उन लोगों में घुसते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उदाहरण के तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स जिनका शुगर कंट्रोल में नहीं है, या ऐसे मरीज जो लंबे समय से इलाज के दौरान स्टेरॉयड ले रहे हैं, उनमें इस फंगस के कण खत्म नहीं हो पाते। इसकी वजह से उनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है। नाक के रास्ते होते हुए ये साइनस को क्रॉस करते हैं और आंखों तक पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी जाने का खतरा होता है। लेकिन एडवांस कंडीशन में ये फंगस ब्रेन तक पहुंच जाता है, जो शख्स की जान भी ले सकता है। ये बीमारी क्या है, क्यों है और किसे हो रही है, ये तो आप लोगों को पता चल गया। आगे बात करते हैं कि इसे कैसे बचा जा सकता है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसका इलाज क्या है और क्या इलाज मुमकिन है। कैसे बचा जा सकता है? अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं। कोविड के इलाज में स्टेरॉयड और वंडर ड्रग की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसके लंबे इस्तेमाल की वजह से हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। खासतौर पर डायबिटीज वाले मरीजों में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसको कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। शुगर को कंट्रोल में करने के लिए इंसुलिन या टैबलेट ली जा सकती है। अपनी डाइट में बदलाव करके भी शुगर को कंट्रोल में किया जा सकता है। डाइट में प्रोटीन ज्यादा लेना, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेना, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। कई लोग इन्हेलर के फॉर्म में स्टेरॉयड ले रहे हैं, तो इन्हेलर के तुरंत बाद पानी या बीटाडिन का गरारा करिए, इससे फंगल ग्रोथ नहीं होगी। इसके लक्षण क्या है? पहला, नाक से बदबूदार डिस्चार्ज आना जो लगातार आता रहे। दूसरा, भूरे रंग की एक परत बन जाना। तीसरा, चेहरे के आसपास सुन्न हो जाना। चौथा, चेहरे पर काफी सूजन आना। पांचवा, आंखों के आसपास बेहद सूजन होना। छठा, पलकों का नीचे बैठ जाना और काफी मोटी हो जाना। सातवा, दो चीजें एक बार में दिखाई न देना। आठवा, सिर में तेज दर्द होना या रह रहकर तेज दर्द उठना। नवा, आंखों के पीछे दर्द होना, कान के नीचे दर्द होना। दसवा, बुखार का लगातार आना। ग्यारहवा, दांतों का गिरना। बारहवा, नाक आंख और गाल के नीचे लाल लाल निशान पड़ना। इससे बचने के लिए उपाय हैं, यानी इलाज है। म्यूकर एक इन्वेसिव फंगस है, यानी शरीर को चीरते हुए जाता है। ये ब्लड वेसल्स यानी धमनियों को क्रॉस करता है और इसे खत्म कर देता है। जहां जहां ये ग्रोथ करता है वहां काला दिखाई देने लगता है, इसलिए इसे ब्लैक फंगस कहते हैं। शुरुआत में इंट्रावेनस एंटीफंगल ड्रग्स के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है, पर एक बार गैंग्रीन बन जाने का मतलब है कि वहां पर ब्लड सप्लाई खत्म हो चुकी है। ऐसे में इंट्रावेनस एंटीफंगल ड्रग्स ज्यादा असरदार नहीं रहते। ऐसी कंडीशन में सर्जरी के द्वारा उस एरिया को हटाया जाता है। एडवांस केसेस में आंखों को निकालना भी पड़ता है, क्योंकि अगर उसे नहीं निकाला गया तो मरीज की जान भी जा सकती है। गुजरात में ऐसे मामले देखने के लिए मिले हैं। बचाव के तरीके जानिए। पहला, जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है वे अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें। अगर वे ऐसा करेंगे इस इन्फेक्शन का खतरा कम रहेगा। दूसरा, डॉक्टर स्टेरॉयड के डोज उचित समय तक और उचित मात्रा में दें। अत्यधिक मात्रा में स्टेरॉयड का उपयोग खतरनाक हो सकता है। ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर का पानी साफ रखना, ऐसा करने से इस इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। कोरोना में संक्रमित होने वाले मरीज अगर साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो वो इस इन्फेक्शन के चपेट में आने से बच सकते हैं।
नाक में सूजन या मुंह में अल्सर होने पर उसका जल्दी से जल्दी इलाज कराएं। इलाज में देरी करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये फंगस बहुत तेजी से शरीर के अंदर फैलने वाली बीमारी है, इसलिए सही समय पर इसका पकड़ में आना और इलाज होना जरूरी है। इसके इलाज में जितनी देरी होगी उसका असर उतना ही बुरा होगा। म्यूक्रोमाइकोसिस के लक्षणों को एकदम इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आखिर में देखिए, यहाँ जो बातें हमने आपको बताई हैं वो मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बताई हैं और रिसर्च के आधार पर, इसलिए किसी भी सलाह को अमल में लाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें, क्योंकि न्यूज़वर्ल्ड इंडिया आपको हमेशा सावधान और सुरक्षित रहने की सलाह देता है। भारत एट 9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे खास मुद्दे के साथ। नमस्कार।